अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच का अंतर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कई बार मैं इस पर वीडियो डेवलप भी कर चुका हूँ, दो बार कर चुका हूँ, फिर भी उसमें काफ़ी सारे कमेंट में मैंने पढ़ा है उसमें अभी तक कन्फ्यूज़न बाकी रह गया है। इसलिए आज वह सारा का सारा कन्फ्यूज़न मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक देखा कीजिए। अगर आपने इंग्लिश सीखने के लिए वीडियो को ओपन किया है तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, वरना आप भी बाहर निकल जाइए। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। सबसे पहले देखते हैं पिछले क्लास में दिए गए सेंटेंसेस के इंग्लिश अनुवाद। ये रहे, अगर आपने बनाया है तो इसे मैच करके अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, अगर कहीं पर भी गलत होगा तो। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट आप जानते ही होंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और पास्ट इंडेफिनिट दोनों को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, भली भांति आपको पता होगा दोनों के पहचानने का नियम और दोनों के बनाने का नियम, स्ट्रक्चर क्या होता है बनाने का। ओके फ्रेंड्स, पहचानने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अगर पहचान में एक बार आ जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ज़्यादातर लोगों को स्ट्रक्चर पता होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न होता है रिकग्निशन में, मीन्स पहचानने में। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस लेते हैं कि वह खाया, यानी उसने खा लिया। ओके फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हो गया, बट इसको हम अगर पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, उसने खा लिया था या वो खा चुका था। ओके फ्रेंड्स, दोनों ही सेंटेंस में अंतर है कि नहीं है। हिंदी में हम दोनों सेंटेंस के हिंदी के सेंस में फ़र्क करने की कोशिश करेंगे कि फ़र्क हो रहा है कि नहीं। उसने खा लिया और उसने खा लिया था, दोनों के सेंस में फ़र्क होता है कि नहीं, होता है। उसने खा लिया और उसने खा लिया था, मतलब उसने खा लिया था ये कुछ ज़्यादा पहले की बात बताने का बोध हो रहा है इसमें, और कम्प्लीटली पूर्णतः पूरा हो जाने की बात की जा रही है। और उसने खा लिया, उसने खा लिया से ये पता चलता है कि रिसेंटली उसने खाना पूरा कर लिया। ओके फ्रेंड्स, खा लिया। ओके, और एक बात और भी पता चलती है कि वो खा चुका था, उससे पहले कुछ और भी हुआ था, सिर्फ वही एक काम नहीं हुआ, उससे पहले कुछ और काम भी हुआ था। ठीक है, मतलब मेरे वहाँ पहुँचने से पहले उसने खा लिया था। ओके, तुम्हारे आने से पहले वो खा चुका था, इस तरह के सेंस भी। बट हम अकेला ही बोल रहे हैं कि वो खा चुका था, तो उसको समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि कभी भी इस तरह का सेंटेंस आए जब दोनों के अंत में था थी हो लेकिन दोनों के अर्थ में फ़र्क हो, तब समझ आना कि ये दोनों अलग अलग टेंस के सेंटेंसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह खेला, दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और वो खेला था। अगर हम इसको बोलेंगे कि पास्ट परफेक्ट है, अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सेंस समझने की कोशिश करो, वह खेला और वह खेला था, दोनों का सेंस एक ही निकलता है, वो खेला या वो खेला था, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, अर्थ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेंगे, ही प्लेड। ओके फ्रेंड्स, अगर अर्थ चेंज हो जाता तो फिर वो अलग अलग टेंस में बनता। अभी दूसरा सेंटेंस है, वह खेल चुका था, उसने खेल लिया था। ओके फ्रेंड्स, यही सेंटेंस है, वह खेला था, ये दोनों के सेंस एक ही होते हैं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह खेल चुका था या उसने खेल लिया था। इस सेंटेंसेस को पढ़ने से अर्थ बिल्कुल बदल जा रहा है, उसने खेला, वो खेल चुका था या उसने खेल लिया था, इससे कुछ अर्थ अलग,
इस सेंटेंस से कुछ अलग अर्थ पता चल रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना, कि वो खेल लिया था यानी कि वो खेल चुका था, दोनों के सेंस में फर्क होने लगता है। इसलिए आप समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके फ्रेंड्स, इसको फिर हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। मीन्स वह खेल चुका था, ये बोलने से ही पता चलता है कि उससे पहले भी कुछ हुआ था। मीन्स दो कार्य हुए थे, एक इसके होने से, इसके पूरे होने से पहले कुछ हुआ था, या इसके पूरे हो जाने के बाद कुछ हुआ था। कि जैसे कैप्टन के मैदान में आने से पहले वो खेल चुका था। अगर हम ऐसे बोलते कि कैप्टन के मैदान में आने से पहले वो खेला, तो अर्थ में बदलाव आ जाता है, फर्क हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, वह खेल चुका था मतलब वो आया वहाँ कि उससे पहले वो अपने खेलने का काम पूरा कर चुका था। लेकिन ये सेंटेंस अकेला है, इसमें यह नहीं लिखा है कि कैप्टन के आने से पहले। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस होता कि कैप्टन के आने से पहले, तो अगला सेंटेंस ऐसा ही होगा कि वह खेल चुका था। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, यानी कि वह खेला था, और वो खेल लिया था, वो खेल चुका था, इस तरह का दिया हो तो पास्ट परफेक्ट होगा। अभी वह पटना गया। ओके फ्रेंड्स, वह पटना गया। अगर मैं किसी को पूछता हूँ कि वो कहाँ गया, तो वो पटना गया, ही वेंट टू पटना। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में, ऑब्वियसली इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, ही वेंट टू पटना, वह पटना गया था। वो अगर मैं पूछता हूँ किसी को कि वो दो दिन पहले कहाँ गया था, तो वो ऐसा ही बताएगा कि वो पटना गया था, या वो मुंबई गया था, वो कोलकाता गया था, ऐसा बोलेगा। लेकिन वो अभी हाजिर है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, इसका सेंस दोनों का चेंज हो जा रहा है। अगर हम सेंस चेंज नहीं करते हैं, उसी सेंस में बोल रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में इसको हम बना सकते हैं कि ही वेंट टू पटना। बट अगर हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि वो पटना गया था और अब आ चुका है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, कि ही हैड गोन टू पटना, वो पटना गया था। मीन्स अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का बोलते हैं कि वो पटना गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में पटना गया, लेकिन ये बोध नहीं निकलता है कि वो पटना से अभी गया। लेकिन वो पटना गया था, इससे बोध होता है कि वो वापस आ भी गया होगा या अभी गया है। तो इसका सेंस चेंज हो जा रहा है। अगर हम बिना सेंस चेंज किए इसी सेंटेंस को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने चाय पी, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आई टुक टी, मैंने चाय पी थी। इन दोनों का सेंस एक ही जैसा निकलता है क्या? निकलता है। मैंने चाय पी या मैंने चाय पी थी। कोई पूछता है कि आपने चाय पी ली, हाँ मैंने चाय पी या पी ली, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाँ मैंने चाय पी थी। दोनों का सेंस एक ही निकलता है, तो हम इसको दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में बोल सकते हैं कि आई टुक टी। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैंने चाय पी लिया था या मैं चाय पी चुका था, तो सेंस अलग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाय पी चुका था, मैंने चाय पी लिया था, मतलब इसके बोलने से पता चलता है कि इससे पहले कुछ और हुआ था, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। मैंने चाय पी ली थी, वही चीज़ आ गई, या मैं चाय पी चुका था। ओके फ्रेंड्स, फिर ये पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। वह मुंबई पहुंच गया, वह मुंबई पहुंच गया, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही रीच्ड मुंबई। वह मुंबई पहुंच गया था, ओके, या वह मुंबई पहुंच चुका था, दोनों के सेंस में फर्क है कि नहीं? है। वह मुंबई पहुंच गया और वह मुंबई पहुंच चुका था, या वह मुंबई पहुंच गया था, दोनों के सेंस में फर्क है। इसलिए हम इसको हम पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। इसको बनाएंगे, वो मुंबई पहुंच गया, ही रीच्ड मुंबई, वो मुंबई पहुंच गया था, ही हैड रीच्ड मुंबई। ओके फ्रेंड्स, राजू मुझे पैसे दिया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, राजू गेव मी मनी। राजू मुझे पैसे दे दिया था, राजू ने मुझे पैसे दे दिया था, राजू हैड गिवन मी मनी। ये सेंस अलग हो जाता है, सेंस के हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई रूल्स नहीं, काफ़ी सारे रूल्स हैं,
कि ऐसा हो तो पास्ट परफेक्ट और ऐसा है तो पास्ट इंडेफिनिट, बट रूल्स की बजाय आप सेंस को समझने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप जब किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो, तब आप इस बात पे जोर मत लगाना, सोचने में दिमाग पर ये जोर मत देना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पास्ट परफेक्ट में होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आपको उस वक्त जो भी शूट करता है, जो भी आपके ज़बान से निकलता है, आप बोल डालो, मतलब सामने वाला समझ जाएगा। जैसे मैंने खा लिया, आई एट, या आई हैड ईटन, दोनों के सेंस आस पास ही हैं। लेकिन अगर हम ग्रामर्स की बात करें तो ग्रामेटिकली पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में काफ़ी सारे फ़र्क होते हैं, उसके सेंटेंसेस के अर्थ में भी फ़र्क होते हैं जो मैंने आपको बताया। ओके फ्रेंड्स, तो वो होता है, लेकिन जानना ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में फ़र्क क्या है। ये ज़रूरी है कि हम बात करते वक्त ज़्यादा घबराए नहीं, ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डालें, ज़्यादा देर ना लगाए बोलते वक्त ताकि सामने वाला जल्दी समझ जाए। अगर हम ज़्यादा देर करेंगे, सोचने में दिमाग खपाएंगे, तब तक तो बोर होने लगेगा कि क्या बोलना चाहता है, व्हाट यू वांट टू से, से सुन, से फास्ट। तो उस वक्त आप बोल देने का, ये मत सोचना आपकी पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, जो भी समझ में आया आप बोल दो, कन्वर्सेशन में चलता है सब, टॉकिंग में सब चलता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मैंने चाय पी ली, अगर हम वहीं पर बोलते कि मैंने चाय पी थी और मैं चाय पी लिया था, तो वो क्या अलग समझेगा? उसने यही समझेगा ना कि इसने चाय पी लिया है या चाय पी चुका है, ये पी लिया था इसने, यही समझेगा ना। ग्रामर में ज़्यादा फंसिए मत आप, बस ये जानने के लिए, जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि फ़र्क क्या होता है, बट ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि क्या सही होगा, बोलते वक्त ये मत सोचिए। हाँ, उस लिख रहे हो तो आप लिखते वक्त सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, वहाँ पर ग्रामर्स का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बोलते वक्त ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जाता। सो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये फ़र्क मैंने जो बताया कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर फिर भी अभी भी आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और फिर दूसरी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब ये रहा आज के लिए होमवर्क के लिए, घर पर प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। तो ये है सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से समझना, इसमें कोई सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट से है और कोई पास्ट परफेक्ट से है, तो दोनों समझकर आप बनाना, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसका आंसर बताते हैं उसे आप मैच भी कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहे घर बैठे और भी फ्री में। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा उस पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज आ जाएंगे। यहाँ पर 7 वीडियो हैं, इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।